Hey guys, welcome back to my channel. I am Krrish. So guys, आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा डिफरेंट वीडियो है. आज मैं आपको बताने वाली हूँ आप अपने घर पे कैसे जो है अपने बैंग्स कट कर सकते हैं. बैंग्स बोलिए, फ्रिंजेस बोलिए, ये घर पे आप कैसे जो है कट कर सकते हैं. एंड ये बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है. एंड हम पार्लर जाते हैं. वैसे लास्ट टाइम मैंने अपनी हेयर कट करवाई थी दुर्गा पूजा पे. सो उस टाइम मैंने फ्रिंजेस कट किए थे. उसके आई थिंक 6 to 7 months बाद मैंने अपने घर पे खुद ही फ्रिंजेस कट किए, बट वो भी थोड़े लंबे हो गए हैं. एंड फिर से दुर्गा पूजा आ गई एंड इस बार मैंने कोई भी हेयर कट नहीं लिया है. सो मैंने सोचा अपने फेस को थोड़ा सा लुक अलग लगाने के लिए, लाइक हमारे हेयर वैसे ही रहते तो एकदम फेस वैसा सेम टू सेम लगता है. सो थोड़ा सा आपको लुक अगर डिफाइन करना है आपने और आपको लगे कि आपकी फेस की फ्रेमिंग करनी चाहिए आपको, तो आप अपने फ्रंट बैंग्स कट कर सकते हैं. तो उससे आपके फेस जो है बहुत ही जो है लुक एकदम अलग ही दिखता है. सो दुर्गा पूजा आ गई है तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा प्रिपेयर करना है खुद को. सो मैंने सोचा ये बहुत ही ज़्यादा डल लग रहा है मुझे, तो इसको थोड़ा सा कट करके थोड़ा सा बाउंसीनेस लगे मेरे हेयर्स पे वो आए. एंड उसके लिए मैं थोड़ा सा अपने आप को लुक बेटर, मतलब खुद का लुक अच्छा करना चाहती हूँ. सो देखते हैं आज मैं कैसे जो है अपने फ्रिंजेस कट करती हूँ. एंड आप लोग भी सीख लीजिए कैसे आप अपने घर पे खुद के फ्रिंजेस कट करें एंड वो भी लेयर में. सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. सो गाइज, फर्स्ट हम हमारी हेयर्स को कॉम कर लेंगे अच्छे से ताकि इसमें कोई भी टैंगल ना रहे. अब नेक्स्ट है आपको इस टाइप की कॉम लेनी है एंड इसको आपकी आईब्रोज की आर्च से वी बनाना है, उल्टा वी या ए बोल सकते हो आप. एकदम स्ट्रेट लाइन लीजिए ताकि कोई भी जो है हेयर बचे नहीं एंड आपका जो बैंग्स है वो बहुत ही परफेक्टली हो. इसमें हम वी शेप बनाएंगे एंड इसको अब मैं सही करूंगी ताकि मेरे कोई भी हेयर्स लेवल में निकले नहीं एंड एकदम परफेक्टली वी बने. एंड आप देख सकते कुछ इस टाइप का बना है. अब अच्छे से चेक कर लूँगी ताकि कुछ भी छूटे नहीं हेयर. एंड ये परफेक्टली वी जो है क्रिएट हो चुका है. अब नेक्स्ट जो मेरे हेयर है उनको मैं बन बना लूँगी पीछे ताकि वो मेरे आगे ना आए. अब मैं अच्छे से इसको कॉम कर लेती हूँ एंड मेरे आईब्रो की आर्च से आप देख सकते एकदम परफेक्टली बना है एंड सही है एकदम. अब आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं मेरी हेयर बहुत ज़्यादा लंबी है. मैंने बहुत पहले कट किया है इसको, 4-5-6 months हो गए होंगे, मुझे याद भी नहीं है. अब इसको आपको टू पार्ट करना है, बराबर टू पार्ट में डिवाइड कर लीजिए एकदम स्ट्रेट में. एंड जो ये वाला पार्ट है हमने ऊपर पकड़ा है इसको अब मैं सिक्योर कर लूँगी पीछे की साइड ताकि ये मेरे आगे ना आए कट करते टाइम हेयर. अब ये जो फ्रंट के हेयर हैं इसको अच्छे से कॉम कर लीजिए. अब आपको इसको मेजर करना है आपको कितनी जो है लेंथ चाहिए. अगर आपने चिन तक ली है तो आपके हाफ हेयर अंदर जाएंगे, मतलब ईयर्स के पीछे जाएंगे और हाफ आगे रहेंगे. और अगर आपने नोज तक कट किया है तो ये आपके आईब्रो की आर्च तक आ जाएंगे एंड कुछ इस टाइप का. तो ये मुझे पसंद नहीं, थोड़ा सा जो है लेवल में रहे. तो मैं अपनी हेयर्स को अपनी लोअर लिप्स की लिप्स तक कट करूँगी, लोअर लिप्स तक. तो ये मेरी आईब्रो से भी थोड़ा आगे जाएगा, ईयर्स के पीछे रहेगा. एंड इसी लेंथ में मेरे को कट करना है, बट मैं इसको 1 inch बड़ा कट करूँगी. तो मैं चिन तक कट करने वाली हूँ अभी ताकि मैं इसको थोड़ा सही कर पाऊँ अगर गलत हो जाए तो. आप भी ये ध्यान रखिएगा, एकदम स्ट्रेट लाइन कट करनी है आपको. अब इसको कॉम कर लीजिए अच्छे से. अब हम इसको ट्रिम करेंगे ताकि इसका एकदम नेचुरल लुक आए हमारे जो बैंग्स है उसका. अब इसको आपको एकदम स्ट्रेट पकड़ना है कैंची को, सीजर को. अब आप इसको वर्टिकली सीजर से अच्छे से ट्रिम कर लीजिए, zigzag कट कर लीजिए ताकि आपका जितना भी जो बैंग्स है वो एकदम नेचुरल, जब आप उसको मतलब बैंग्स को सेट करें तो एकदम नेचुरल लुक में आए. ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका. ये ट्रिम आप थोड़ा टाइम लेके कीजिए ताकि ये परफेक्ट एकदम लुकिंग अच्छे से आए, बहुत ही परफेक्ट बैंग्स जो है क्रिएट हो आपसे, बिकॉज ये एकदम इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका. एंड ये आप देख सकते हैं ये हो चुका है. एंड आप देख सकते हैं इसको मैंने 1 inch बड़ा रखा था, चिन तक रखी थी एंड ये लिप्स तक अभी मैंने ट्रिम करके ले लिया है एंड एकदम परफेक्ट आया है मेरे लोअर लिप्स तक. एंड अभी इसको मैं साइड में कर दूंगी, सिक्योर कर लीजिए ताकि हमारे नेक्स्ट लेवल में ये आगे ना आए. अब ऊपर वाले जो हेयर है हमने सिक्योर किए थे उसको ले लेंगे. इसको आपको फर्स्ट वाले से 1 inch छोटा रखना है, लाइक फर्स्ट वाले को मैंने लिप्स तक कट किया था लोअर लिप्स तक, अब इसको मैं अपर लिप्स तक कट करूँगी. तो इसको मैं पहले थोड़ा सा बड़ा कट करूँगी, थोड़ा सा बड़ा ताकि इसको सही कर पाऊँ मैं अगर गलत हो गया तो. एंड आप देख सकते हैं अब इसको मैं नोज़ तक जो है कट करूँगी.
एंड इसको अच्छे से कोम कर लेंगे एंड टाइटली पकड़ लीजिए अपने टू फिंगर्स के बीच में। अब इसको मैं ट्रिम करूँगी, फिर वैसे ही ट्रिम करना है इसको। ट्रिम इतना ही करना है कि मैं अपने नोज़ तक जो है, एकदम नोज़ तक पूरा नहीं बट नोज़ के थोड़ा सा जो है नीचे आए एंड ये थोड़ा परफेक्ट लगे। अब इसको अच्छे से ट्रिम करूँगी, ट्रिम में टाइम ज़्यादा लगाती हूँ मैं, अच्छे से ट्रिम करना होता है मुझे। एंड अच्छे से करके अब हम इन दोनों को मिला लेंगे, कोम कर लेंगे एंड ये हमारा जो बैंग से ही कट हो चुका है एंड ये एकदम लेवल में आया, आप देख सकते हैं मुझे इतना ही जो है चाहिए था। एंड आप देख सकते हैं इसका लुक कुछ ऐसा आएगा जब आप इसको शेक करके अच्छे से सेट करेंगे या ब्लो ड्राई करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये फ्रंट से आपके हेयर्स को बहुत ज़्यादा बाउंसीनेस देगा एंड आप देख सकते हैं थोड़ा लेयर में आ रहा है। आप हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप घर पे फ्रिंजेस कट कर रहे हैं अपने, तो हमेशा उसकी लेंथ 1 इंच जो है बड़ी रखिए ताकि आप उसको सही कर पाए। अगर आपसे थोड़ा सा गलत भी कट गया है तो आप उसको हमेशा थोड़ा सा ट्रिम करके सही कर पाए। अगर आपने ज्यादा कट कर दिया, जितनी आपको लेंथ चाहिए उतनी कट कर दी, तो अगर आपको उसको थोड़ा सही भी करना होगा तो आप नहीं कर पाओगे क्योंकि उतने ही बाल होंगे तो आप सही नहीं कर पाओगे। इसीलिए आप जब भी उसको कट कर रहे ना तो हमेशा लेंथ लंबी रखे। लाइक मैंने रखा था, मुझे अपने लिप्स के नीचे तक कट करना था सो मैंने उसको अपनी चिन तक रखा था एंड उसके बाद जब मैंने उसको स्ट्रेट कट किया एंड फिर मैंने उसको ट्रिम किया तो ट्रिम करते हुए मैंने उसको लिप्स तक लिया है। सो आप उसी मेथड में जा सकते हैं, आप थोड़ा सा जो है लॉन्ग कट कीजिए उसके बाद आप उसे ट्रिम करके सेट कर लीजिए तो वो एकदम बहुत ही अच्छा सा लुक आएगा। एंड आप देख सकते हैं मेरे जो है बैंग्स बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं एंड मुझे अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि मुझे खुद को सच में बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आप भी मुझे कमेंट्स कीजिए कि मुझ पर ये बैंग्स कैसे लग रहे हैं एंड आई होप गाइज आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो एंड थोड़ा सा यूजफुल लगा हो। एंड आई नो मैं पार्लर का पैसा बचा रही हूँ आप लोगों के, तो बचाइए आराम से पैसा, बचाना किसको मना है, ये पैसा बचा नहीं सकते, बचाइए पैसा, बचाना सबको हक है। एंड आई होप गाइज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा है तो जल्द से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे अच्छे अच्छे वीडियोज मिस नहीं करना चाहते हैं तो जल्दी से बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर।